गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आवर। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी यहाँ पर? तो सभी अच्छे होंगे, होप सो। और क्या क्या किया आज आपने सारे दिन? ओके, ऑल राइट, सभी आ चुके हैं। चलिए तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारा चैनल। ठीक है, जितेंद्र, मीनाक्षी और उपेंद्र, संध्या, विकास, नेहा, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम यहाँ पर करेंगे साइंस के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में। और कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास, संडे को सोना नहीं है, संडे को आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास आ रही है। और कितने बजे? सुबह 11 बजे। तो सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे, जल्दी से आ जाइए। चलिए, नमस्ते मोनू, नमस्ते बेटा, ठीक है। पुनीत, राजन, विद्युत, भारती, सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अमरोहा, उत्तर प्रसिद्ध, कोशिंदर, चलिए ठीक है। संध्या, ओके, ऑल राइट, ठीक है। मिथिलेश, चलिए ओके। धर्मेश, चलो तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके लक्की, नमस्ते। दानिश, सभी आ चुके। अच्छा, मैं सबका नाम लेने लग जाऊंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, निखिलेश, हेलीकॉप्टर, अर्जुन, ओके, ऑल राइट। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 11 बजे किसकी क्लास है? साइंस की क्लास है कल, ठीक है। और मिनी मैराथन क्लास है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन साइंस के करवाऊंगी, राइट। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुशील, नमस्ते, सभी को नमस्ते। तेजस, नीलू यादव और अंकित वर्मा, विनोद, चलो तो डिटॉल में मौजूद जो एंटीसेप्टिक यौगिक है वह क्या है? हम सभी को पता है ना, डिटॉल पानी में कपड़े वॉश करने के लिए, चोट के ऊपर लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर डिटॉल का हम यूज करते हैं। तो जल्दी बताइए यहाँ पर कि अगर हम डिटॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो डिटॉल में मौजूद जो एंटीसेप्टिक यौगिक है उसका क्या नाम होता है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? वेरी गुड, हेलीकॉप्टर, हरविंद्र और संध्या का आंसर बिल्कुल ठीक है। दानिश का आंसर सही आ रहा, ठीक है। सुनील, नमस्ते बेटा। आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, आप बात करेंगे एनलोडोडाइसिनोल के बारे में, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच संध्या, ओके, ठीक है। अर्जुन, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जीनोमिक डीएनए स्टडीज इन द कैमल हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली बाय द साइंटिस्ट ऑफ। ऊंट के अंदर जो जीनोमिक है, यानी कि ऊंट के अंदर किस तरह का डीएनए है और वह किस तरीके से काम करता है, उसको हाल ही में किस वैज्ञानिक ने पूरा किया है? इस कौन सा ऐसा यहाँ पर वैज्ञानिक है, कौन सा ऐसे देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके डीएनए के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है? अब आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। ओके, बताओ बेटा जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीक है भारती, तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, ऑलराइट। चलिए, हाँ, यहाँ पर काफी ऐसे बच्चे हैं जो यह पूछ रहे थे कि मैम आपका अनएकेडमी का कोड क्या है? तो मेरी अनएकेडमी का जो कोड है वो है यहाँ पर अमृता एस, ठीक है, अमृता एस, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो, अभी तो मेरा कोर्स आया नहीं है अनएकेडमी में, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आपके लिए कोई भी फ्री फाइल है या फिर कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप वहां पर लेना चाहते हैं, आप मेरा कोड वहां पर यूज कर लीजिए, आपको वहां पर फ्री या फिर कुछ डिस्काउंट भी जरूर मिल जाएगा अगर आप अनएकेडमी से कोई भी क्लास करना चाहते हैं, राइट। चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, ओके। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, जल्दी बता दीजिए यहाँ पर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, यहाँ पर बताइए कैमल के अंदर किसने देखा है? आंसर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पर चाइना। क्या आंसर हो जाएगा? चाइना। तो चीन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले ऊंट में किस तरीके से उसका डीएनए है और वह किस तरीके से वर्क करता है,
उसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो सबसे पहले किससे पता लगाया है, चाइना वालों ने यहाँ पर पता लगाया है, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ओके, ठीक है देवराज, चाइना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, एयर क्वालिटी डिपेंडिंग या सॉरी डिपेंडिंग नहीं लिखा है, यानी दर्शाने वाली डिपेक्टिंग पीएम 2.5 इज मोर हजार्डस टू, यानी कि पीएम, पीएम क्या होता है आपका यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर, क्या होता है पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पीएम 2.5 को दर्शाने वाली वायु गुणवत्ता के लिए अधिक खतरनाक है। चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स या पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करते हैं, पीएम के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन फैलाने का काम करता है। और जो ये एयर पोल्यूशन होता है वो ज्यादातर जो बुजुर्ग पुरुष और महिला होते हैं, यानी कि जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो बहुत ही बुजुर्ग होते हैं, उनको फेफड़े में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है और उनको रोग कराने का यह काम यहाँ पर करता है, ठीक है साइंस सेवन, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाइप नेचुरल गैस, क्या पीएनजी इज यूज्ड फॉर, अब देखिए जैसे कि एलपीजी की फुल फॉर्म पूछती है ना, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर कर देना पाइप नेचुरल गैस, यानी कि एक ऐसी नेचुरल गैस जिसको आई पाइप से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, पीएनजी कहा जाता है। तो चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर कि जो पाइप नेचुरल गैस है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, उसका यूज हम कहां पर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, कुकिंग में करते हैं, राइट, किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कुकिंग में करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है मुकेश, ठीक है अखिल, थैंक यू, ओके क्लियर है, ठीक है काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है पुरुषोत्तम, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कुकिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम इज इन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम बनाया गया है। चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। थैंक यू संजीव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी बताइए यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बात है। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा कि कानपुर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर, कानपुर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड चीकू, वेरी गुड, ठीक है नीलू, नहीं बेंगलोर यहाँ पर सही आंसर नहीं है, आंसर क्या है यहाँ पर, कानपुर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनमें से कौन सी एक लुप्त प्राय प्रजाति है। अब कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे यह बताएगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब क्या होता है, यानी कि जो लुप्त प्राय प्रजाति है वह क्या होती है। तो देखिए हम सभी को पता है कि हम लोग बहुत ही बहुलता में है, बहुत ही मेजोरिटी में है, और इंसान जो है वो इतनी जल्दी लुप्त नहीं होगा, लेकिन हमने क्या काम किया है, हमने काम किया है पॉल्यूशन बढ़ाने का, या फिर हमने काम किया है शिकार करने का, हमने काम किया है उसका काला बाजारी करने का, पोचिंग वगैरह करने का, है ना, तस्करी जिसको कहा जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है या वाइल्ड प्लांट्स हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक स्वदेशी जो पशु हैं या स्वदेशी जो पौधे हैं, उनकी क्या होती जा रही है, वो नुकसान होते जा रहे हैं, उनका नंबर तेजी से घटता चला जा रहा है। तो जिनका नंबर बहुत ही तेजी से घटता चला जा रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, एंडेंजर्ड कहा जाता है, क्योंकि अब वो कैसे हैं कि अगर इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया, इनको संरक्षित नहीं किया गया, तो बहुत ही तेजी से ये कैसे हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनकी एक भी स्पीशीज कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है सत्यमेव, ओके चलो सिक्स का आंसर करेंगे यहाँ पर। आंसर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पर सी आंसर, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर, गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है। और यहाँ पर कौन ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर बताएगा कि जो डॉल्फिन होती है वह क्या होती है, वह एक फिश होती है, एक मछली होती है, या फिर वह एक बर्ड होती है, पक्षी होती है,
या फिर वह एक तरह की मैमल होती है यानी कि स्तनधारी होती है, या फिर जो डॉल्फिन है वह आपका क्या है यहाँ पर रेप्टाइल है यानी कि सरीसृप है। कौन स्टूडेंट मुझे यहाँ पर बताएगा, जल्दी बताइए यहाँ पर, ठीक है जल्दी बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा कि वह एक प्रकार की मैमल होती है। डॉल्फिन क्या है, मैमल है। हिंदी में अगर हम बात करें तो यह क्या होती है, स्तनधारी, क्या स्तनधारी प्राणी यह होती है। और यह काफी अच्छा गाना भी गाती है, मैं आपको बता दूं बहुत इमोशनल होती है और बहुत ही अच्छा गाना भी ये गाती है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, सभी ने नोट कर लिया इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं बिहार में भागलपुर के बारे में, तो भागलपुर में क्या किया जा रहा है, इस गंगा वाली डॉल्फिन को सुरक्षित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए पूरा का पूरा जो एरिया है उसको क्या कर दिया गया है, एक सेंचुरी यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे यह भी कहा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वह कौन सा है। कौन बच्चा यहाँ पर बताएगा कौन सा गाना गाती है? बता देंगे बता देंगे। ठीक है, तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, आप बताएंगे डॉल्फिन ही है। क्या है, डॉल्फिन ही है। ठीक है, चलिए क्लियर है, ओके। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड डिजास्टर विच इज सोशली इंड्यूस्ड, यानी कि निम्नलिखित मानव निर्मित आपदाओं में से जो सामाजिक रूप से प्रेरित है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। रॉकी बताइए जल्दी से, सेवेंथ का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है, और इधर उधर की बातें नहीं करो बेटा, आपस में क्यों बातें कर रहे हो, बताओ जल्दी से क्या आंसर सही हो जाएगा। नहीं, अभी तक ठीक नहीं आंसर आया है किसी का भी। डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो अर्सन है यानी कि आगजनी है, आगजनी मतलब क्या होता है कि किसी ने आग लगा दिया घरों में दुकानों में, जो आग लगाने की समस्या हो जाती है वह एक मानव निर्मित आपदा है जो सामाजिक दृष्टिकोण से होती है और इंसान इसको जानबूझ पे यहाँ पर कर सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। देवराज कह रहे हैं कि साइंस से क्वेश्चन पढ़ाइए, बेटा जो पढ़ा रही हूँ पढ़ लो, सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल है और वो साइंस से ही रिलेटेड है। आप एनवायरमेंट नहीं पढ़ते क्या, एनवायरमेंट पढ़िए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, हमारे गले में पाई जाती है। चलो चलिए आंसर करेंगे इसका यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा, थायराइड। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थायराइड। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स मतलब जो हमारा कंठ होता है, उस कंठ के ऊपर की तरफ भी कौन सा ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है यह थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है, और अगर इसकी आपके शरीर में कमी हो जाए, किसके, इसके द्वारा निकाले गए हार्मोन की, तब आपको कौन सा रोग हो जाता है, तब आपको रोग हो जाता है यहाँ पर घेंघा रोग, जिसको क्या कहा जाता है, ग्वाइटर डिजीज कहा जाता है। ठीक है, और जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, तो वैसे तो माना जाता है कि जो लड़के होते हैं उनमें सब चीज बड़ा होता है, ब्रेन बड़ा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, केवल साइज बड़ा होता है। हार्ट की अगर हम बात करते हैं, हृदय की अगर हम बात करते हैं, तो लड़कों में ज्यादा बड़ा होता है, तो क्या वो बड़े दिल वाले हैं, हाँ बड़े दिल वाले भले हो सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक की जो अब समस्या आती है वो लड़कियों में ज्यादा आती है, क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वह लड़कों में ज्यादा बड़ा होता है या लड़कियों में, तो सिर्फ एक यही ऐसा अंग है, सिर्फ एक यही ऐसी ग्रंथि है जो कि फीमेल में ज्यादा बड़ी पाई जाती है, यानी कि जो स्त्री शरीर है उसमें यह ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेनी रीजन है यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे इस तरह का रोग ज्यादा होगा, या फिर पहाड़ी प्रदेशों में होगा या समुद्री प्रदेशों में होगा, तब उसको आंसर आपको क्या करना है। ठीक है दीपक,
तो उसको आंसर क्या करना है कि जो हमारे पहाड़ी प्रदेश होते हैं, जो हमारे हिली रीजन होते हैं, वहां पर इस तरह का रोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से, उनके खाने में आयोडीन कम होता है। तो अगर आप देखें तो जो भी आपका घेंघा रोग है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके खाने में अगर आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से यह रोग बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अगर प्रारंभिक चरण है यानी कि शुरुआती दिन है, तो आप खाना में आयोडीन इंक्लूड करिए। कैसे करेंगे आपको पता है, तो इसका साफ है एक आंसर कि आयोडीन युक्त नमक, यानी कि एक ऐसा नमक जिसमें आयोडीन मिक्स होता है, उस नमक का अगर हम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे से यह रोग कभी भी आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए रॉकी, अभी तो मेरे जो सारे बैच हैं वो फ्री हैं, ठीक है, सारे बैचेस हैं वो फ्री हैं। ठीक है राधिका, नमस्ते। ठीक है शंकर, क्लियर है, बात समझ आ रही है। कुछ बच्चे यहाँ पर एड्रिनल बता रहे थे, बेटा एड्रिनल कहाँ पर है, वो तो किडनी के ऊपर होता है ना। चलो, लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के भी बहुत इमोशनल होते हैं, पर समाज उनको क्या कहता है, नहीं तुम तो क्या बनो, मर्द बनो। अरे ये क्या तरीका होता है भाई, मैं तो जितने भी मेरे छोटे भाई हैं या फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही कहती हूँ, गुस्सा आ रहा है गुस्सा करो, रोने का मन हो रहा है फूट फूट के रो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द सीट ऑफ द इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन द, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंसी के बारे में, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्धिमत्ता के बारे में, तो जो बुद्धिमत्ता होती है वह कहाँ पर पाई जाती है, यह मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। मैम जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत रोया था, वेरी गुड, रोना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें, रो बढ़िया से, पर एक दिन दो दिन तीन दिन रो लो, फिर उसके बाद उठो और फिर अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, चलो चलो चलिए आंसर बताएंगे इसका, यहाँ पर नाइन्थ का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, सेरेबेलम, क्या आंसर होना चाहिए, सेरेबेलम। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे किसके बारे में, कि जो हमारा सेरेब्रम है या सेरेबेलम, क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, ए आंसर पढ़ाया है, लेकिन आपके कमीशन में बी आंसर दिया है। अब आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आंसर करें, तो मेरी बात मानो यहाँ पर, ठीक है, मेरी बात मानो, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मेरा नाम लेकर के ए ही लगा करके आना, क्या लगा के आना, ए ही लगा के आना, क्योंकि कहीं भी दिया हो बी आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो अगर आपसे आने वाले क्वेश्चन में कभी भी यह बोले कि कौन सा आंसर सही होगा, तो बेटा ए आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो भी हमारी आईक्यू होती है, जो भी हमारा इंटेलिजेंस क्वाइसेंट होता है, वह हमारे सेरेब्रम में होता है, ना कि सेरेबेलम में होता है। फिर आप कहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम हमारे नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, पर आप आंसर यही करना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आंसर क्या होगा, यहाँ पर सेरेबेलम आंसर होगा। तो इसको मैं एक बार बढ़िया से कर देती हूँ, तो अगेन आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, इसका जो आंसर होगा वह यहाँ पर ए आंसर ही होगा। तो अगर आप सेरेबेलम सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं, तो यह आपके फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, फोर ब्रेन का। अगर हम बात करें तो अग्र मस्तिष्क का यह हिस्सा होता है, और अग्र मस्तिष्क जो है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यही है, आपके पूरे ब्रेन में, पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह कौन सा है, सेरेब्रम ही है। और सेरेब्रम की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर हमारी मेमोरी भी जनरेट होती है, यानी कि जो हमारा स्मरण, स्मरण कह सकते हो या याददाश्त कह सकते हो ना, वो सारी यादें, चाहे खट्टी हो, मीठी हो, अच्छी हो, बुरी हो, किसी भी तरह की अगर जो यादें हैं वो सारी की सारी यहीं पर स्टोर आपकी होती है। क्लियर, चलिए अब वो खुफिया ऐसे ही लिख दिया नेहा, उसको छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, युगांडा का डांस बाद में करवाऊंगी मैं तुमसे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही अच्छा यह क्वेश्चन है कि जो मानव वयस्क होते हैं उनके अंदर सामान्य रक्त की क्या मात्रा होती है, सामान्य रक्त की क्या मात्रा उनके अंदर यहाँ पर होती है। चलिए चलिए से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, कितना, 5 लीटर। ठीक है,
तो अगर नॉर्मली आपसे पूछ रहा है कि मानव वयस्क में कितनी होती है, मेन में कितनी होती है, इंसान में कितनी होती है, ठीक है, तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर, 5 लीटर ही आपको यहाँ पर आंसर करना है। लेकिन अगर वो स्पेशली आपको मेंशन करे, वो स्पेशली आपको बताए कि चलो बताओ यहाँ पर कि अगर हम फीमेल के बारे में बात करते हैं, अगर हम स्त्री शरीर के बारे में बात करते हैं, तब यहाँ पर कितने लीटर ब्लड पाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि 4 से लेकर 4.5 लीटर होता है। उससे पहले अपनी अक्ल के ढक्कन नहीं खोलने हैं आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मली अगर पूछे तो उस टाइम पे आपको यह बताना है कि जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है वह 5 लीटर ही होता है, 5 से 5.5 लीटर तक ही होता है। अगर वो स्पेशली आपसे मेंशन करे कि अच्छा बताना जरा कि स्त्री में कितना होता है, तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है कि 4 से 4.5 लीटर तक होता है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरे देव तुम इधर उधर मत जाओ, नीलू तुम्हें बुला रही है, ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान दो तुम दोनों, नहीं तो बहुत कान पकड़ के मारूंगी। थैंक यू नरेश, थैंक यू। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द एडल्ट इन मिलीग्राम पर 100 ml इज, यानी कि यह पूछ रहा है कि जो व्यस्क हैं अगर उन्होंने उपवास रखा है या फिर उन्होंने किसी भी रीजन से खाना नहीं खाया है, तो उस टाइम पर रक्त शर्करा का जो स्तर होगा वह लगभग कितना होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल जितेंद्र, चलो तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के बारे में, किसके बारे में, ब्लड शुगर लेवल, यानी कि अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो सामान्य रक्त शर्करा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो आंसर इज 120 mg/100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है ना, यह ध्यान रखना, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कई बार 1000 या फिर 10 ml भी लिखा जा सकता है, पर ये कितना होना चाहिए, 100 ml ही होना चाहिए, क्लियर है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब एक जो इंसान है जिसने फास्टिंग रखा हुआ है, जिसने उपवास रखा हुआ है, उसमें ब्लड शुगर लेवल कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। अब आप देखो, जब आप भूखे होते हो तो उस टाइम पे आप कैसे होते हैं, अरे मेरा सिर चकरा रहा है, अरे मेरे पेट में अजीब सा लग रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी अतड़ियां मुंह पे आ जा रही है, जैसे मुझे भूख लगता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो इंटेस्टाइन है वो मुंह से बाहर निकल के खाना ढूंढने लगेंगी, है ना, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती है, और मेरा तो दिमाग भी काम नहीं करता है अगर मैं भूखी हूँ, है ना। तो अगर आप देखो तो इसका यह मतलब है कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और ग्लूकोज जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सेलुलर फ्यूल, यानी कि आपका ईंधन, कैसा ईंधन, कोशिकीय ईंधन, आपको काम करने के लिए हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको बता दें ग्लूकोज की। तो वो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, जब आप खाना खाओगे तभी तो ग्लूकोज मिलेगा, और जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बहुत ही कम यहाँ पर हो जाएगा, और इसीलिए अगर हम देखें तो लगभग 120 से थोड़ा सा गिर जाएगा, और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम 60 भी नहीं हो जाएगा, हाँ कि तुमने बैड पकड़ लिया, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, थोड़ा सा गिर जाएगा, जिंदा रहोगे तुम। चलो ठीक है वीरेंद्र, ठीक है अनूप, वेलकम बेटा, चलिए ठीक है अवगत, थैंक यू सो मच, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है आज ओके, तो 100 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लो इसको यहाँ पर, ओके शुभम, चटक मटक के नमस्ते। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है, एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कीटों का अध्ययन,
जितने भी तरह के कीट यानी कि इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उन सभी की स्टडी यहाँ पर क्या कहा जाता है? आप बताओगे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बात समझ आ गई है, क्या कहा जा रहा है? एंटोमोलॉजी। अब ऐसा कौन सा प्यारा सा मेरा स्टूडेंट है जो मुझे यह बताएगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स के स्टडी को यानी जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है और फंजाई के स्टडी को क्या कहा जाता है? कम ऑन, बताओ फटाफट से बताओ। ठीक है नीलू, बच्चा पढ़ा पढ़ो यहाँ पर। ठीक है ठीक है, देव तुम नीलू से बात कर लो, ठीक है, नहीं तो नीलू मुझे नहीं पढ़ाने देगी, ये बहुत शैतान लड़की है। चलो बात कर लो तुम, और तुम बाकी सारे बच्चे मुझसे पढ़ाई करो। चलो चलिए से बता दो यहाँ पर, ठीक है, एवस्थेटिक। चलो तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो जहां पर भी ऑर्निथो शब्द आए इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? पक्षियों के बारे में बात हो रही है। वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड चिकू। फॉसिल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे हम इसको? जीवाश्म का अध्ययन, पैलेंटियोलॉजी, राइट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फंजाई के बारे में, वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड। और अगर हम फंजाई के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। और इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैलेंटोलॉजी। क्लियर है? जिनको नहीं पता है जल्दी से नोट करो। और यहाँ पर एक स्पेशल, और पता नहीं अनुराग, आई रियली डोंट नो कौन बच्चा है, लेकिन ये दोनों बहुत शैतान है, डेली क्लास में आते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। लेकिन चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है आपका फाइकोलॉजी के ऊपर, राइट। तो लिखो यहाँ पर फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी मतलब क्या होता है, फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? बच्चा लिख लो यहाँ पे स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्यों लिखवा दिया है? इसीलिए यहाँ पे लिखवा दिया है क्योंकि माइकोलॉजी फाइकोलॉजी एक जैसा लगता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब है ओके मैम, साइंस स्टार्टिंग से शुरू कर दो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विद द, एक्सोबायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? चलो फैक्ट जल्दी बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। हरविंद्र बताओ बेटा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है निशान, थैंक यू बच्चा। चलो जल्दी बताओ वीरेंद्र क्या आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी मतलब क्या होता है, कौन ऐसा बच्चा बताएगा? बायोलॉजी पढ़ते हो ना बहुत ज्यादा, तो बायोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। इसका मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं सभी तरह के जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम एक्सो के बारे में बात करते हैं तो एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, आउटसाइड यानी कि बाह्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य जीव विज्ञान क्या है या एक्सोबायोलॉजी क्या है तो उस टाइम पे आंसर क्या करेंगे आप? उस टाइम पे आपको आंसर करना है यहाँ पर कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन या फिर दूसरे ग्रहों में किस तरह का जीवन होता है। लेकिन अगर आप प्लैनेट देखें तो प्लैनेट क्या होगा? जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी के अंदर का। लेकिन एक्सो मतलब तो क्या हो सकता है? बाहर कहीं भी ना। तो इसीलिए जो आंसर है वह क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर हम बाहरी अंतरिक्ष के जीवन का अगर हम अध्ययन करते हैं यानी कि लाइफ इन द आउटर स्पेस, तो इसी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक्सोबायोलॉजी कहा जा रहा है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, क्लियर है? एसिड का कोर्स, IBU-ACO का कोर्स करा दो। अच्छा ठीक है, ठीक है नैन्सी, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। द रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल्स इमिटेड बाय ट्रांसमिशन एंटीना आर रिफ्लेक्टेड ऑन, यानी कि रेडियो संचार में एंटीना को संचारित करने से उत्सर्जित संकेत प्रतिलक्षित होते हैं। चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर चौधरी का, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बताओ बेटा जल्दी आंसर बता दो यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीक है ओके, ठीक है जितेंद्र। तो आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आइनोस्फेयर यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम आइनोस्फेयर के बारे में बात करते हैं तो आइनोस्फेयर क्या है बताइए जल्दी से, आइनोस्फेयर क्या है?
तो बच्चों जब भी आयनोस्फेयर की हम बात करते हैं ना, तो जो हमारा तापीय मंडल होता है, यानी कि जो हमारा क्या कहेंगे उसको, थर्मोस्फेयर जो होता है, और हमारा जो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर का थोड़ा सा भाग और मीजोस्फेयर का पूरा भाग, वो सारा मिला करके यहाँ पर क्या बनता है, आयनोस्फेयर यहाँ पर कहलाता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर टीनी मरीन एनिमल्स विच कंस्टिट्यूएंट लाइम स्टोन स्केलेटन आर कॉल्ड। बहुत अच्छा यह क्वेश्चन है। छोटे छोटे से हमें समुद्री जंतुओं के बारे में बताना है जो चूना पत्थर के कंकाल का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है अनिल, जल्दी बताइए। सूरज, क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीक है अंजू, अभय, बबलू, बताओ बेटा जल्दी से क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर। आप सभी को कोरल रीफ्स के बारे में पता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे से पॉलिप्स होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे से, जो क्या काम करते हैं, अपने बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल बनाते हैं, और धीरे धीरे जब उनका डिपोजिशन यानी उनका जमाव धीरे धीरे होता चला जाता है, तो वही आगे जा करके क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति बनाते हैं। सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर मिलती है? आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है अभय, आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है सबसे ज्यादा कोरल रिफ्स कहां पर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट एब्सॉर्ब्स इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ द लाइट। अगर हम यहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल का पता है, जो कि हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है, जो भी आप कह लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर सचिन कह रहे मैम आपके बाल, बेटा सारे कटवा दिए मैंने बाल अपने, ठीक है, सब कुछ नया जीवन है बिल्कुल। चलिए तो जल्दी से, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड चीकू। हमारे यहाँ जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में ही अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप में आपका सबसे ज्यादा कोरल रीफ मिलता है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर आप बात करते हो बच्चा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, चलिए, ठीक है दिवाकर, बताओ, करू, करण, बताओ जल्दी से क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि यहाँ पर जब हम जो भी हमारी लाइट आ रही है उसमें रेड और इंफ्रा रेड जो रीजन होता है लाइट का, उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, फाइटोक्रोम करता है। क्लोरोफिल नहीं करता बच्चा, क्लोरोफिल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुपम, ठीक है योगेंद्र। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ द लाइट एनर्जी इज डेसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की अधिकता जिस प्रक्रिया से होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। स्टूडेंट केयर क्या हो गया, हमको जवाब नहीं देती है, कहे मैम जी, बेटा बताओ क्या। डैशिंग इंडिया, बिल्कुल वहां पर भी मेरी क्लास होगी, नए तरीके से होगी, है ना। चलो अभी यहाँ पे पढ़ लो, चलो जल्दी बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर 17th का सही हो जाएगा। पढ़ाया हुआ है, आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्विंचिंग इसको कहा जाता है, शमन इसको यहाँ पर कहा जाता है। अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है। पुरुषोत्तम का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आया है, लकी का आंसर ठीक आया है, बाकी सभी बच्चों का यहाँ पर गलत आंसर आ रहा है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, एड्स वायरस किसे नष्ट करता है? चलिए चलिए आंसर करेंगे, एड्स वायरस किसे नष्ट करता है। आप सबसे पहले तो मुझे यह बताना है कि एड्स के फुल फॉर्म किनको किनको पता है, एड्स के फुल फॉर्म किनको किनको पता है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है विद्युत, इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या ये रोग है ना एक्चुअली, तो सिंड्रोम। ठीक है, और होता किसकी वजह से है,
एचआईवी की वजह से। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिखे यहां पर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। क्लियर है, बात समझ आ गई है। तो अगर आप रोग के बारे में बात करते हैं तो जो आपका रोग है वह कौन सा है, एड्स। लेकिन जो वायरस है उसका क्या नाम है, यहाँ पर एचआईवी। ठीक है, और यह हमारे किस सेल को आकर के सबसे पहले खत्म करता है, चलो जल्दी से बता दो। आंसर की अगर हम बात करेंगे, आंसर क्या होगा यहाँ पर, आप बताएंगे लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी दो तरह की होती, बी और टी लिम्फोसाइट। तो यह किसको आकर के खत्म करती है, टी सेल्स को, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को खत्म करती है। तो अगर बाई चांस आपके ऑप्शन में लिम्फोसाइट नहीं दिया हुआ है तो वहां पर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट दिया हुआ होगा, राइट। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि लिम्फोसाइट है क्या, तो लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर आप बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो भी मैं आप लोग को लिख के दे देती हूँ, काफी ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, और वो होगा ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा बेटा, ल्यूकोसाइट। ठीक है, नोट कर लो जिनको नहीं पता है, फटाफट से नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच अवस्थिक। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पर एड्स के बारे में। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। दूसरे अगर हम बात करते हैं जिस वायरस की वजह से ये होता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है सबसे पहले हमारी जो WBC होती है जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं उसका जो लिम्फोसाइट जो प्रकार होता है उसको यह डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। और जब इसको यह खत्म कर देता है तो कई बार इसको टी सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह टी सेल्स को ही सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है, राइट। क्लियर है, ठीक है निशांत, ओके थैंक यू सो मच। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि WBC का नंबर कितना होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो WBC का नंबर होता है वो कितना होता है, आप बताएंगे कि लगभग वह 6000 से लेकर के 8000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड वह होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस used for the measuring the wavelength of x-ray, जो x-ray होती है उसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि wavelength नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हमको बहुत अच्छे से पता है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखो सारी चीजें स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर यूज किया जाएगा, पर कौन सा वाला यहाँ पर यूज किया जाएगा। तेजस जो अलाइजर टेस्ट है, वेरी गुड, वह आपका एड्स हुआ है या नहीं, HIV ने आपको अटैक किया है या नहीं, उसके लिए टेस्ट यूज किया जाता है, वेरी गुड। और वेरी गुड चीकू, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस बनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, चलो जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, वेरी गुड सौरभ कुमार राज, वेरी गुड राधिका यादव, वेरी गुड अनिकेत, आंसर जो होगा नीलू दिवाकर, सब अच्छा आंसर दे रहे हैं। आंसर जो होगा वो यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है अखिलेश, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है जिनके फर्स्ट क्लास है उनका वेलकम है, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ, अल्फा कण जो है वह किसके नाभिक में आपको मिलेगा। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कौन सा एटम है, ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके न्यूक्लियस में, जिसके नाभिक में हमको अल्फा पार्टिकल मिलता हुआ दिखाई देता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बेटा इसका, हीलियम। वेरी गुड, वेरी गुड, खुशबू PDF मिल जाएगी आपको।
आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, साइंस हवन करके ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है अनु, वीरेंद्र, वेरी गुड। काफी बच्चे जो ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। सोहन सिंह का आंसर भी बिल्कुल सही है। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजय, अभी मेरी अनअकैडमी में क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड वहां पर लिख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। और अगर आप लिखते हैं वहां पर मेरा नाम, क्या है मेरा नाम, अमृता, और अमृता और एस, यानी कि अमृता साइंस ना, अमृता एस, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो कुछ कोर्स आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं मिलते हैं तो कुछ डिस्काउंट आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। चलिए, तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या है, ए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है टीथ एंड बोन्स एक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, यानी कि जो दांत होती हैं और जो हड्डियां होती हैं उनको शक्ति और कठोरता कैसे मिलती है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है रामदीन, अच्छा रामदीन, ठीक है आईबी का बता दो कहाँ से खरीदे बेटा। ठीक है, इसको एक बार मुझे ना ऑफलाइन कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। ठीक है किशन, चलो चलिए से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो अगेन और अगेन क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, आप जब छोटे थे तो बॉर्नविटा का एड आपने देखा होगा, हॉर्लिक्स का एड आपने देखा होगा, और उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी मम्मी उनको दूध में मिला के बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वगैरह पिलाती है, है ना। तो और क्या कहती है, दूध पियो और कैल्शियम की शक्ति पाओ। क्यों, कैल्शियम से क्या होगा, आपका जो बोन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और जो आपके दांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वह भी क्या है, एक तरह की हड्डी ही तो है, हड्डी का ही तो एक टाइप है। ठीक है, लेकिन उसको हड्डी में नहीं गिनते हैं। ओके, पर वो किसका बना होता है, कैल्शियम का वह बना हुआ यहाँ पर होता है। ठीक है, नाम में ही अमृत है मैम के। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। द टाइप ऑफ द टेल फाउंड इन शार्क इज, शार्क में पाई जाने वाली जो पूछ है वह किस प्रकार की होती है। अब आप सोचोगे मतलब ये क्या है, भैंस की पूछ पूछ लेता, ये शार्क की पूछ क्यों पूछ रहा है ये, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार रिपीट होता है। हाँ डिशुम डिशुम में भी आता है। चलो ठीक है ठीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर, बताओ जल्दी से यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, आंसर जो होगा वो यहाँ पर ए आंसर होगा, और पूछ के ऊपर केवल एक ही क्वेश्चन आएगा और सिर्फ शार्क का ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पूछ होती है ना वो ऐसी होती है और फिर ऐसे करके होती है। ठीक है, शार्क की जो पूछ होती है, तो यह क्या है आप बताएंगे, हेटरोसिरल। आपको ज्यादा नहीं जानना है कि यह क्या होती है, बस इतना ध्यानना है कि हेटरोसिरल, हेटरोसिरल, हेटरो मतलब अलग अलग टाइप के, और जो सिरल होती है उसकी जो गुहा होती है वो यहाँ पर कुछ पाई जाती है। उतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है, दैट्स इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एसएससी का बैच लाओ। ओके बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। चलिए केजीएन, थैंक यू सो मच बच्चा, लेकिन इस तरह से बात नहीं करते हैं ना बच्चा, इस तरह से बात नहीं करते हैं। चलिए देखो मैं हमेशा से यह कहती आई हूँ कि टीचर्स जो होते हैं वो कहीं के भी अच्छे होते हैं बेटा, हमेशा वो मन लगा के पढ़ाते हैं, तो किसी भी टीचर्स के बारे में आप गलत मत बोलिए। ठीक है, वो कहीं के भी टीचर हो। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, सिग्मोइड सिलोम इज ए पार्ट ऑफ, सिग्मोइड सिलोम यहाँ पर किसका एक हिस्सा होता है। अगर आप कोलन के बारे में बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर कोलन के बारे में बात करते हैं तो जो कोलन होता है वह किसका एक हिस्सा होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताइए यहाँ पर। ठीक है एग्जाम धाम, चलो जल्दी बता दो। नहीं, एड्स का हिंदी में कोई नहीं मतलब है आदित्य, उसको आप ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं सिलोम के बारे में। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर ए आंसर। क्या आंसर है, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत के बारे में अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो उसको आप समझिए। लार्ज इंटेस्टाइन को हम दो तरीके से बांट के पढ़ सकते हैं, पहला होता है यहाँ पर कोलन और दूसरा होता है यहाँ पर रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम। ठीक है, तो जो कोलन है वही आपका पूछ रहा है यहाँ पर, मुड़ा हुआ कोलम आपको दिखाई देता है, और दूसरे नंबर पर रेक्टम की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ पर मलाशय होता है।
अगर आप देखो तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा दिखाई देगा वो कोलन है, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई देगा वो मलाशय है, जहां पर थोड़ी देर के लिए मल स्टोर होता है। ठीक, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज, करंट ले जाते समय एक अच्छा कंडक्टर कौन सा है। चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, थैंक यू अमन। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि कल सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए एक आ रही है मिनी मैराथन, यानी कि छोटी सी मैराथन आ रही है, ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी मैराथन आ रही है। तो कौन कौन सा स्टूडेंट आएगा सुबह 11 बजे मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, थैंक यू सो मच गोपलू, थैंक यू। चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, बताइए 24th का आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए, वंदना बच्चा ये लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए यहाँ पर, बीपीएससी के लिए भी आप एग्जाम अगर देना चाहते हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गुड कंडक्टर के बारे में, जो भी करंट को लेकर के जाता है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज वहां पर होते हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के तेजी से प्रवाहित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं, कोटिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट विद द इम्परवियस मटेरियल इज नोन एज, यानी कि अभेद्य सामग्री के साथ ठोस अवशिष्ट के लेप को किस रूप में जाना जाता है। चलिए चलिए आंसर करेंगे इसका यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आंसर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा अभेद्य सामग्री है, जो भी हमारा डिग्रेडेड नहीं हो सकता अपघटित नहीं हो सकता, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं सॉलिड वेस्ट का, यानी कि जो भी ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका एक लेप लगा करके उसको गाड़ देते हैं या जलाने की कोशिश करते हैं, और उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है आप बताएंगे कि उसी को हम यहाँ पर एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन अगर नाम देखो ना तो कैप्सुलेशन, आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर नाम दिया है, इसको देखो इजी वे में बढ़ा देती हूँ, आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं क्या आ गया है। कैप्सुलेशन, आप सभी कैप्सूल खाते हो ना कैप्सूल, जब भी आप बहुत ज्यादा बहुत परेशान होते हो तो कैप्सूल खाते हो ना, तो जब आप कैप्सूल खाते हो, चैनल का नाम बहुत कठिन है, अच्छा यूट्यूब चैनल का नाम बहुत ईजी है बच्चा, देखो साइंस हेवन, विज्ञान का स्वर्ग, और हम कौन है विज्ञान के ज्ञाता, राइट, बहुत अच्छी टैगलाइन है, आज से मैं इसका यूज करूंगी। और दूसरी चीज अगर आप इसको नहीं नोट कर पा रहे हैं, आप सिंपल जो साइंस हेवन चैनल है ना उसको आप टाइप करना टेलीग्राम चैनल पर, सबसे ऊपर हमारा ही शो हो रहा होगा, लगभग 5500 बच्चे यानी कि 5500 से भी ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, और वहां पर मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पर पढ़ाती हूँ उसकी वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो आपका ये, ठीक है, क्या क्वेश्चन आंसर सीरीज हो, राइट। और मैं आप लोगों के लिए ना नए साल में बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च करने वाली हूँ, तो सभी तैयार रहना और स्टे ट्यून्ड, ओके। भाग जाते हो एक दिन तो 500 बच्चे आते हो, दूसरे दिन 25 बच्चे आते हो, ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल शुरू से करवाऊंगी बच्चा, शुरू से करवाऊंगी नए साल में, ठीक है, नए साल में नई तैयारी नए उसके साथ। एनटीपीसी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, जिनका एग्जाम मार्च तक चलता रहेगा और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम चलता रहेगा उनके लिए मैं टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखूंगी। सबसे पहले मैं 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आऊंगी, देन मैं 1000 की भी लेके आऊंगी। पैसे नहीं, पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। चलो ठीक है हप्पू, ठीक है। अनअकैडमी में अमृता एस मेरा रिवल कोड है, आप लगा सकते हैं, अभी तक आया नहीं है, नए साल में आएगा, ठीक है। पर अभी भी आपको अगर किसी भी जगह डिस्काउंट पाना है किसी भी कोर्स में, किसी के भी कोर्स में, तो आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, राइट। चलिए जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उसको हम समझते हैं सी आंसर। कैप्सूल आप सभी खाते हैं, कैसा होता है कैप्सूल, इस तरीके से कैप्सूल होता है ना बच्चा, और ये जो कैप्सूल होता है जब हम इसको तोड़ते हैं तो आप क्या देखेंगे, एक इस तरीके से भाग निकलेगा, एक इस तरीके से, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है पाउडर, वो बिखर जाता है,
पाउडर क्या हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो जब ये पाउडर आपका बिखर गया तो ये पाउडर क्या है, एक तरीके का कैसा है, अभेद्य सामग्री है, जो डिग्रेडेशन जिसका नहीं हो पा रहा, अपघटन जिसका सही तरीके से नहीं हो पा रहा। और उसकी अगर हम ऊपर के लेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे कैप्सूल बना के चढ़ा दिया हो, उसके ऊपर कैप्सूल हम किसका बना के चढ़ा देते हैं, सॉलिड वेस्ट का चढ़ा देते हैं, अवशिष्ट पदार्थ का चढ़ा देते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एनकैप्सुलेशन, बस। और फिर उसके बाद जो आपका वो आता है ना, क्या आता है, बैक्टीरिया भाग भाग के आएगा, फंगस भाग भाग के आएगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या खाना है, सॉलिड वेस्ट खाना है, अपशिष्ट कचरा खाना है, और उसी कचरे के साथ साथ अंदर जो हमने मटेरियल भरा हुआ है, कैसा वाला, जो जल्दी से गलता नहीं है, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर सकता है, बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है, उसका भी डिग्रेडेशन थोड़ा थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है। क्लियर है, चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, चीकू ने, कि कैप्सूल का कवर स्टार्च का बना होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। आप जो कुछ भी कैप्सूल खाते हो ना, आपने देखा होगा कि दवाइयां आप खाते हो, कैप्सूल जो आप खाते हो, वो अंदर गटकते ही एकदम पिघल जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो किसका बना होता है, वो स्टार्च का बना होता है, और अंदर जो पाउडर होता है वो आपकी मेडिसिन होती है, पर ऊपर जो कैप्सूल की जो कवरिंग होती है ना, वो किसका बना हुआ होता है, स्टार्च का बना होता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मंड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है अनूप, थैंक यू बच्चा। चलिए, जमुना शर्मा, बकवास मत करो बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल सौरभ, मैं यहीं पे पढ़ाती हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं जिलेटिन, हाँ जिलेटिन का भी कुछ भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है रामधीन, आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जल उपचार के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज का, यानी कि पराबैंगनी किरणों का हम यूज करते हैं। तो वह क्या काम करता है, वह किस तरीके का काम यहाँ पर करता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, क्या, कि वह कीटाणु नाशक होता है। जो कीटाणु होते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया हो या फिर फंगस के स्पोर्स हो, कोई भी वर्म, छोटे छोटे से कृमि हो, कोई भी माइक्रोब्स हो जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, उन सभी को मारने के लिए इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर थायमिडीन डाइमर, क्या, थायमिडीन डाइमर फॉर्मेशन इन द डीएनए इज काउस्ड बाय, डीएनए में जो आपका थायमिडीन डाइमर होता है वह कैसे बन जाता है, उसका जो डाइमर होता है वह कैसे बन जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जल्दी बताइए यहाँ पर फटाफट से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारा जो डीएनए होता है उसमें थायमीन नाम का, क्या, थायमीन नाम का एक नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। ठीक है, वो नॉर्मली है कैसे, इस तरीके से, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बात करें, तो जो थायमिन होते हैं उसके दो अणु आपस में आकर के, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में आकर के चिपक जाते हैं, और उस टाइम पर वो कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं, यानी कि एक और दो, दो के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, डाई, डाई मतलब दो, तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, थायमिन डाइमर, थायमिन का क्या बन गया, डाइमर, जैसे डंबल होता है, तो डंबल क्यों कहा जाता है उसको, डाइमर, कि ठीक है, ओके। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलो, तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखा हुआ है सिलिकॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, सिलिकॉन का एक बहुलक है, सिलिकॉन किसका एक बहुलक है, चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो थोड़ा सा कम आज समझ आ रहा है, अच्छा हो सकता है आपका पहला दिन है इस वजह से, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वें का कौन सा आंसर सही होगा, वेरी गुड, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डाई अल्काइल डाई क्लोरो साइलेन, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह क्या है, सिलिकॉन का पॉलीमर यह है, यानी कि सिलिकॉन का यह एक प्रकार का बहुलक यह होता है। ठीक है, ठीक है डीके, नहीं नहीं अंकित कुमार, मेरी अभी तक अन अकेडमी में एक भी क्लास नहीं हुई है, लेकिन अभी होगी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं. विच इज ए नेचुरल कोलाइड, इनमें से कौन एक प्राकृतिक कोलाइड है. चलिए चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भारत पाठक. चलिए चलिए आंसर करेंगे इसका यहाँ पर. 29th का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर. ठीक है अनिकेत, क्या हो गया बता? चलो जल्दी बताओ यहाँ पर अमित, कौन सा आंसर हो जाएगा? कश्मा चौहान, वो जमुना को बोलने दो. ठीक है, उसके गंगा जमुना दोनों बहेगी जब एग्जाम आएगा, और ही इज नॉट अ स्टूडेंट राइट, तो उसको बोलने दो. कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ यहाँ पे गंदगी फैलाने के लिए आते हैं, तो उनको बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर 29th का कौन सा आंसर होगा? बी आंसर. वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं, वेरी गुड करू, वेरी गुड आंसर की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा ब्लड होता है वह क्या है? एक तरह का कोलाइड होता है. ठीक है, क्या होता है? एक तरह का वह कोलाइड होता है. क्लियर, नोट कर लो. काफी बच्चे यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं. अच्छा, अब आप सभी मुझे यहाँ पर यह बताना, व्हाट इज द कोलाइड? बताओ जल्दी से, कोलाइड मतलब क्या होता है? कोलाइड मतलब क्या होता है? कौन बच्चा मुझे यहाँ पर बताएगा? चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होता है कोलाइड. जैसे मिल्क होता है ना, जैसे मिल्क होता है ना, तो अगर हम मिल्क के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है? मिल्क जैसा ही होता है ना, कि आपका कोई भी पदार्थ कैसा है? लिक्विड में है, और उसके ऊपर आपको सॉलिड कहीं कहीं पर कैसे मिलेंगे? बिखरे हुए से मिलेंगे. उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर? कोलाइड कहा जाता है. तो ऐसे ही जो आपका रक्त होता है, अगर मैं रक्त किसी का निकाल लूं, जैसे मेरे को जमुना का रक्त पीना है स्ट्रोडॉल के, तो अब मैं रक्त को निकाल लेती हूँ जमुना के, और यहाँ पर मैंने रक्त रख दिया. अब रक्त में जो आपको लिक्विड पार्ट दिखाई दे रहा है, वो लिक्विड पार्ट कौन सा है यहाँ पर? प्लाज्मा है. ठीक है, क्या है यहाँ पर? प्लाज्मा है. ठीक है, और इसमें जो छोटी छोटी से आपको और क्या दिखाई देंगी? ब्लड सेल्स दिखाई देंगी. कैसे दिखाई देंगी? ब्लड सेल्स दिखाई देंगी. तो जो ब्लड सेल्स यहाँ पर अगर हम कहें, तो जो ब्लड सेल्स आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी, वो कैसी है यहाँ पर? सस्पेंडेड है. ठीक है, सस्पेंडेड है. तो वही चीज है यहाँ पर. क्लियर है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यह मतलब होता है कि जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वह किसी भी लिक्विड में या दूसरे तरह के नेचर के सब्सटेंस में कैसे हैं? बिखरे हुए से हैं, डिस्पर्स्ड हैं, बिखरे हुए से हैं, और उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? आप बताएंगे कि कोलाइड, उसी को यहाँ पर कहा जाता है. तो रक्त यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं. लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, इनमें से किस में सिल्वर नहीं है, इसमें से किस में चांदी नहीं है. वेरी गुड, पीएच कितना होता है? 7.4. ठीक है मैम, दुर्गा माता बन गई. दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, और क्या, काली माता, सब बन जाऊंगी मैं. ठीक है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो. चलिए, अरे मैम लाइक टर्बिडिटी, वेरी गुड. ठीक है ठीक है ब्रिजेश, लेकिन आगे अरे नहीं लगाना चाहिए था. चलो जल्दी से आंसर करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. जर्मन सिल्वर, बिल्कुल सही बात है. तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. चलो तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं. कोई बात नहीं अंकित, उन्हें रहने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है. दे आर द फनी एंड कैसे बेकार के लोग हैं, उनको छोड़ो. चलो ठीक है, चामुंडा माता बना दिया आज तो. ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं. और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कितने बजे होगी? कल सुबह 11 बजे होगी. तो सभी नहा लेना, ठंडी बहुत है, पर अगर गर्म पानी से नहा लेना. अगर नहीं नहाते हो, अच्छे से मुंह कान हाथ नाक सब कुछ अच्छे से धो करके, साफ सुथरे होकर के, बढ़िया सी अदरक वाली चाय और कुछ बढ़िया सा खाने का, भले दो बिस्किट खा करके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वह क्या देखेंगे यहाँ पर? अच्छा अच्छा ठीक है ब्रजेश, कोई बात नहीं बच्चा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सुबह 11 बजे आप लोगों को यहाँ पर आना है, और बढ़िया सी एक मिनी मैराथन हम करेंगे, छोटी सी रेस लगाएंगे. ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.